वेलकम बैक टू माय चैनल अल्फा गर्ल्स। कैसे हो सब फ्रेंड्स? सब फ्रेंड्स को हैप्पी दिवाली, सब सिटी वालों को हैप्पी दिवाली, सब रिश्तेदारों को हैप्पी दिवाली। और आज का हमारा दिवाली का ब्लॉग ब्रेकफास्ट के बाद यहीं से शुरू होता है और बच्चे लोग अपनी नाश्ता कर रहे हैं, रंगोली बनाने शुरू कर दिए। मैं आपको रंगोली दिखाती हूँ और ये दिवाली के लिए रेडी हो गए हैं, डेजी भी रेडी हो गई है। तो आगे मैं शॉर्ट में दिखाती हूँ इनका ड्रेसअप और ये रंगोली बना रहे हैं, उसके बाद देखते हैं अभी इन्होंने क्या करना है। हाँ जी फ्रेंड्स, आज हैप्पी 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 दिवाली पे सारे न्यू क्लॉथ्स पहन रहे हैं। ये डेजी के लिए भी विंटर ड्रेस हमने, ये देखिए ये डेजी निकाल रही है और सो रही है। ये देखना कितनी मस्त हो रही है गर्म ड्रेस डाल के, ये पूरी गर्म है। और ये देखना इसको तैयार कर रही है खुद, तो मैडम तैयार होगी। इधर देखना, अपनी लुक तो दिखाना, देखो भी लिपस्टिक देखो इसकी, देखो देखो, और ड्रेसअप देखो, अपना ड्रेसअप दिखाना। हाँ ये देखना इसका क्यूट सा ड्रेसअप, यो इसको इसके भुई ने गिफ्ट किया था सूट। और ये देखो डेजी की विंटर ड्रेस, ये देखो कैसी लेटी हुई है बच्चों की तरह, कितनी क्यूट लग रही है। डेजू हैप्पी दिवाली बोलो, हैप्पी दिवाली ऑल फ्रेंड्स। ये देखना इसको नींद भी आ रही है और ये तैयार हो रही है, देखो इसके पॉकेट्स भी बने हुए हैं। अच्छा जी हाँ, इसकी ड्रेस पे पॉकेट भी बनी है, ये कितनी क्यूट लग रही है मेरे को। इसको सीधी करना, रुक जाओ ये पटल, हाँ सीधी करना इसको। ये देखना फ्रेंड्स, ये देखो इसकी ड्रेस, अरे सुस्त हुई बड़ी है ये तो बुरी। डेजू डेजू ओए डेजू चौका के, ओ नोना क्यूट लग रहा है, नोना नोना बन गया नोना नोना। ये रहा मेरे गब्बू का ड्रेसअप, इसने ग्रे हुडी लिया और ये जीन्स में ब्लू पैंट, और ये अपनी इसने रंगोली स्टार्ट कर दिया है। ये रहे इसके कलर, बनेगी बेटे अच्छे बनेगी, हिम्मत नहीं हारती। और ये देखो ये मेरा छुटकू, इसको बहुत ज्यादा काम, क्या बोलते हैं हिंदी में, जल्दी जल्दी करना आता है। ये देखो इनका ड्रेसअप, ये हमारे डेजू का और ये टिड्डू का, गोल्डन का ट्रेडिशनल है। हाँ इसका मेरा इसका पुलिस वाला है। चलो भी अपनी रंगोली बनाओ जल्दी जल्दी, ठीक है। ये देखो भाई इसको कितना वक्त पड़ा हुआ है, ये देखो उसको गोदी में लेके, मैं सो रही है, मैं वहाँ पर डालती हूँ उसको, वहाँ पर उठ के बाहर आ जाते हैं और खाने लग जाते हैं। तो ये बेड पे भी सो सकती है ना, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो तो फिर कैसे आएगी, भौंकने लग जाती है कि मैंने दीदी की गोदी में ही सोना है। ये देखो कितने मजे से गर्म सूट डाल के इसकी गोदी में पड़ी हुई है, देखो भी। तो ये है कुरमन की, वो बीच में दिया रखा हुआ है और इतनी बड़ी है, मेरी इसके सामने कुछ भी नहीं है। और नीचे लिखा है हैप्पी दिवाली, बाय द वे ये मैंने लिखा है, और इसका कलर है जो सा बिखर गया था इसलिए बढ़िया नहीं लग गया ना मेरी। तो मैंने लक्ष्मी जी के पैर बनाए हैं और मेरी क्यूट लग रही है बहुत मुझे तो। और ये हैप्पी दिवाली लिखा है और ये मेरा दिया है। बाकी आप कमेंट करके बताना आपको किसकी सबसे बढ़िया है। हाँ जी फ्रेंड्स, रंगोली बनाने के बाद हमें लग चुकी है भूख और अब हम खाएंगे मीठे में। क्या बाहर से आज हम कुछ नहीं लेके आएंगे, मीठे में जो बनेगा। मैंने सोचा कि इनको ना इस बार चॉकलेट याद नहीं है, चॉकलेट का पूरा डब्बा लेते हैं ऐसे ये, मैं कहा शुक्र है अभी भूल गए, पर इन्हें याद आ गया कि हमने अब चॉकलेट लेने जाना है, हमें चॉकलेट गिफ्ट नहीं की। तो अभी थोड़ी देर बाद चॉकलेट इनके लिए लेने जाएंगे मीठे में, और कोई मिठाई नहीं हम लेके आएंगे क्योंकि इन दिनों बहुत खराब मिठाई आती है। जो भी खाना है ना मीठे में घर में खाएंगे। और मम्मी ने क्या बनाया है, कुछ इससे हलवा बन सकते हैं, जहाँ इसको क्या बोला मम्मी ने, सीरा, क्योंकि इन्हें खांसी जुकाम हुआ पड़ा है। और ये देखिए अभी हमारे लिए सीरा बन के तैयार हो चुका है, चाहे हलवा नहीं खाना ना खाओ, हम तो खाएंगे भी। गाइस मम्मी ने सीरा इतना डाल के हमें दिया है ना, खा के बस मन करेगा कि हाँ टेस्टी तो है, मन करेगा कि बस सो जाओ, इतना हैवी ये देसी घी वाला खा के, है ना। कहते हैं कि पहले जो बुजुर्ग बूढ़े होते थे ना, वो आधा आधा किलो इकट्ठा खा जाते थे, तो मम्मी ने सोचा कि वैसे ही हम भी बचा लेंगे। और देखना अभी कितना दे दिया है, क्या हजम होएगा ये खा के, मेरे को नहीं लगता, थोड़ा खाएंगे थोड़ा छोड़ देंगे और फिर जाते हैं मार्केट। हाँ जी गाइस, हम पटाखे लेके आ चुके हैं फैक्ट्री से, आपको दिखाते हैं कि हमने कौन कौन से पटाखे लिए हैं। ये रही कलरफुल चकरियां, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के लिए, कैसी लगी इसकी मेरे को तो पैकिंग बहुत प्यारी लग रही है, ये देखना कितनी मस्त है ना। और मेरे को लगता है
ऐसे ना 7-8 लोड 500 वाले नीचे ऊपर रख के आग लगा दी, ऐसे फील होएगा है ना। जब हम बच्चे थे ना तो हम भी ऐसे करते थे, इनकी खुशी के लिए कर दिया है, लेकिन मेरे को ये पसंद नहीं है पोल्यूशन, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें छोटे छोटे अनार, ये देखो चला लिए। और ये बहुत ही पुरानी और बहुत ही फेमस, ये कौन सी कंपनी है, बिजली क्रैक कार। मैं तो यही चलाऊंगी, बिल्कुल सिंपल वाले, मेरे को डर लगता है। ये वाले हाथ नहीं चलेगा, पोल्यूशन नहीं होगा, ये एंग्री बर्ड्स है ना, ये छोटी छोटी पॉप पॉप, क्या बोलते हैं इसको, पॉप पॉप, चुटकी बम। ये तो डेजी भी चला लेगी, नीचे फेंको एक बार, ये इससे डरती है एक ही बार सारा डब्बा फेंक दो। लड़ाई करने जा रही है मम्मी, डांडिया ये देखना पूरी मस्त है, हाँ ये इन दोनों के लिए। और ये क्यूट क्यूट छोटी छोटी डेजी और मेरे लिए फुलझड़िया। हम कहाँ गए, आपके लिए बढ़िया, वो बड़ी वाली है ना, तो हम तो यूज करेंगे, ठीक है। और ये क्या, इसके बाद ये पेंसिल बोलते हैं, ये भी मुर्गा शाप है, मुर्गा शाप पटाखे ना अच्छे होते हैं, लेके नहीं आए इस बार क्या नहीं लेके आए मुर्गा शाप। और उसके बाद ये यार फ्लैश, उसके बाद है ये रॉयल फ्लैश, कुछ ना कैमरा टाइप पटाखे आ रहे हैं, ये देखना कैमरा बना हुआ, ये मुझे पता है, इसके ऊपर हम आग लगाएंगे ना तो ये ऐसा करेगा जैसे हम फ्लैश लाइट ऑन करके फोटो खींचते हैं ना, बहुत सारी रोशनी हो जाती है वैसे, जो भी है पता नहीं, रात को चला के देखेंगे, पहली बार करना है। उसके बाद ये रही हमारी यहाँ जो ऊपर जाके कलर करेंगे, रॉकेट रॉकेट, ऐसे हमारे पास दो हैं, दो हैं ऐसे, ये सेम है, दो पैकेट लेके आए ना, हाँ दो पैकेट, चलो ये क्या है। और ये क्या है, ये अनार, नहीं ये छोटा भीम का लड्डू है, छोटा भीम का लड्डू, भीम का लड्डू, ये देखना भी कितने फनी नाम रखते हैं ना इनके। और उसके बाद है ये डायनासोर टाइप कुछ, चटर पटर हाँ ये अच्छा लगता है मेरे को, ये मुझे भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, पहले नहीं अब मुझे पहले लगा कि ये सुतली बम है, ये गंगा जमुना, ये गंगा और ये यमुना, ये दोनों सखी बहने हैं, फिर इनके नाम पे पटाखे बम बने हैं। अरे पता है ये हम पिछली बार कोई और कंपनी का लेके आए थे, एक भी उनसे बढ़िया नहीं चला, उन चार थे उसमें पीस, एक भी बढ़िया नहीं चला, मुझे चक्रियां दो तरीके की चक्रियां। अरे यार वो हम नहीं लेके, बुलेट बम वगैरह कुछ नहीं लेके आए, नहीं चटर पटर और ये है, हाँ अरे हम बच्चे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि ऐसे ना इतने पैसों में बहुत कम पटाखे आए, ठीक आए हैं, ठीक आए हैं। देखना अभी ये सबसे बड़ा शॉट, ये स्काई शॉट 25 वाला, 25 के 50 वाला है, 25 है शायद, पता नहीं, जो अरे खोल के गिन लो ना, नहीं गिनना क्यों है, खुला हुआ है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25 वाला भी, ये 25 वाला, ये ऊपर जाके फटेगा फटेगा, हाँ डब्बा नहीं, एक एक शॉट उड़ेगा उसमें से, हाँ ये तो आप ही चलाओगे हमारे पटाखे। और ये मेरे को लगता है बहुत कम है और बहुत कॉस्टली है, अरे देखो जोन सा बात सुनो, हमको सही रेट में आपको अपने पटाखे दिखा दिए, ठीक है। इसके बाद हम जा रहे हैं अभी चॉकलेट लेने के लिए, उसके बाद हम क्या करते हैं आगे दिखाते हैं, इधर देखो इन दोनों की जोड़ी, मम्मी की गोदी में बैठेगा, मम्मी की गोदी में ठाठा होगी, फिर तो डरेगा, सखी बहन ने हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, बढ़िया, ये मेरे लिए, हमारे लिए किसने कहा।
ये देखना भी नौटंकीबाज अब चॉकलेट लिख के आया है ना। ये क्या है? ये काक का स्वीट सा सो रहा था, इसको आवाज आ गई आपकी और ये उठ गया। और ये देखना भी इन्होंने खिलेरा डाल रखा है। और अब जी चॉकलेट कितने की आ गई? 150 की। कितनी चॉकलेट है इसमें? ये पैकिंग कॉस्टली पड़ती है, ऐसे तो ऐसे ही ले आओ। चॉकलेट खोलना। करना है 150 की बनती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40 वाली। अच्छा नहीं, 20 वाली होती है ये। 20 वाली और ये भी 20 वाली। 40 वाले, 5 वाला, 5 वाला, और ये 60, 70, 80, 90, 20। मम्मा वहाँ पर ना पैराशूट है, तो वो भी 25 रुपीस का। कितने का? 25 रुपीस का। 5 रुपीस। अच्छा ये हो गए 80, 90, 100। ये 100, 120, 140 है ना, 10 रुपीस की पैकिंग। हाँ ठीक हुआ। हाँ ये पैराशूट 25 रुपीस का पैराशूट। नहीं हमें नहीं चाहिए, उड़ता उड़ता है नहीं। ये कह रही थी जब तक कहते हैं ना शादी रखी है और लास्ट खत्म होने तक सामान कोई ना कोई याद आता है, तो आपका वही हाल है। दिवाली क्या, बस जब तक रात पटाखे चल नहीं जाने, 10-11 बज नहीं जाने, आपको कुछ ना कुछ याद आएगा, ये लेना है वो लेना है, दिवाली है। खा लो खा लो। उसके हाथ में से आपने क्यों? अरे नहीं वो खोल रही थी, उससे खुल नहीं रहा था, खोल लिया था मैंने। चलो खा लो और हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली भी सबको, हैप्पी दिवाली। हम लेके आए हैं पिज़्ज़ा। हाँ जी फ्रेंड्स, आज की शाम पिज़्ज़े के नाम और हम कर रहे हैं अभी आज दिवाली पे पिज़्ज़ा पार्टी। पिज़्ज़ा खा रहे हैं। पिज़्ज़ा खाने के बाद हमने दीप जला लिए और छत पे चीज़ी वाला पिज़्ज़ा। चीज़ी पिज़्ज़ा। अच्छा देखो ना, देखो ना, गया 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 गया, चीज़ गई 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 गई। और इसके बाद हमने दीप जला लिया है, छत पे रखेंगे और कमरों में रखेंगे। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए फ्रेंड्स ये दिए जल रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, इतना सबसे क्यूट वाला। हाँ जी फ्रेंड्स, अब पेट पूजा हो चुकी है, दिए जल चुके हैं और अब इनको मैं बड़े वाले तो अलग अलग रूम में रख दिए, अब ये छोटे छोटे बाहर रखूंगी। ये देखना कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है गाइस। ये हम जो शोपीस लेके आए थे ये घूमेगा, देखो राम राम से घूमे, राम राम से घूमने लग गया, बहुत सुंदर है। अब हम दिए रख देंगे बाहर बालकनी में, रूम्स में बड़े दिए रख दिए, देखो फाउंटेन चलने और उसके बाद देखो बॉल कितने बाहर आए गाइस। हमने कपड़े चेंज कर लिए, सिंथेटिक उतार दिए और कॉटन के डाल लिए गाइस, और इसके बाद हम पटाखे चलाना शुरू कर देंगे। और चलो दिए रखते हैं गाइस, ये देखो आगे अभी रखेंगे यहाँ। इसको अलग ही पता नहीं क्या खुशी हो रखी है। जब हम छोटे थे ना तो हमें भी ऐसी खुशी होती थी दिवाली की। हाँ अच्छा गाइस, ये वाला मैंने पेंट किया है। इधर मत रखना, इधर तारे हैं। पटाखे बजाएं। 7 o'clock को बजाना है, एक घंटा पड़ा। पटाखे चाले ना। ये देखो गाइस कितने क्यूट हैं। बस अब थोड़ी देर में हम छत पे आ रहे हैं पटाखे चलाने के लिए और आपको दिखाते हैं। Yeah.
साथ होता है हमारा व्लॉग एंड। चल चलो कोई हाल नहीं।